है और ये ओके सो दैट इज द थिंग्स सो कोई क्वेरी वाले कॉल होते हैं उनको पता नहीं होता ना तो दिस इज द थिंग समझ में आ गया जी इसका मतलब एस्केप स्पीड क्या है ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बैठा घुमा दी सारे बच्चे अभी लेके आया सारे बच्चे जमा खेल रहे थे सब भाग लेके रोज के साथ मेरे घुमा रहे बच्चे भाग के गिरे सारे ठीक है बच्चा से जाकर बैठे तो दैट इज द थिंग आगे बढ़े चल जो First option is 2n pi. Second option is nh. Third 2n pi. Third option is h by pi. Fourth option is 2h by pi. बताओ ये क्या होगा? Sir n upon pi. हाँ, this is h by pi and this is 2h by pi. And then answer बताओ. nh. कौन सा है? Sir nh. Okay, so सुमित तुम बताओ. Sir ये क्या लिखा? So ये क्या लिखा? अपने D option. 2h by pi. 2h by 2h by pi. हाँ. तुम्हारी गर्लफ्रेंड की क्या स्ट्रीम है सुमित पहले सिंपल सी बात है वो सुन रहे हैं h/2π n h/2π n n 2 h/2π 2π h/π h/π क्लियर सो दिस इज द थिंग अच्छा n पर वो मैंने टू निकाल दिए थे ओए है ना आपके पैर में जो है वो मैंने टू निकाल क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं सर क्लास 11th ये थ्योरी का कांसेप्ट थोड़ा सा कांसेप्ट है तेरा बात क्लास 11th में भी है और ये पढ़ने के लिए और क्लास 9th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है वही क्लास 9th वाले बच्चों को पढ़ाया परसों ये थी Find the ratio of power dissipated. Ratio of power dissipated. Power dissipated in both cases. Assume that equal current flows in the. Main circuit. Current flows in the main circuit. मेन सर्किट सही है ऑप्शन ऑप्शन इज
फर्स्ट 1:4, सेकंड 4:1, थर्ड 1:2, फोर्थ 2:1. दिस क्वेश्चन आस्क अटेम्प्ट्स. जो दोनों का लेंथ हो गया सेम है. ओके, दो रेसिस्टेंस को हमने पहले सीरीज में कनेक्ट किया और फिर हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया. हाँ, तो क्या कहते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन बोथ द केसेस अज्यूमिंग दैट इक्वल करंट फ्लोस इन द मेन सर्किट. रेसिस्टेंस दोनों इक्वल है, दोनों रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए. टू रेसिस्टेंस के लामिट ऑफ सेम लेंथ क्या ओके, होमवर्क लिखो उसमें. Number of capacitors needed to get an arrangement equivalent to 16 microfarad 1000 volt. फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 32, फोर्थ ऑप्शन है 64. नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट ऑफ लेंथ 4, 16, 32, 64 और ऑफ लेंथ, फाइंड आउट ऑफ लेंथ 1.4 मीटर एंड नेगलिजिबल मास हैज, एंड नेगलिजिबल मास हैज लेंथ 1.4 हां मीटर मास एंड नेगलिजिबल मास हैज टू मासेस of 0.3 kg and 0.7 kg tied to its two ends. Find the location of the point. On this rod. Okay, where the rotational energy is minimum. Energy is minimum. When rod is rotated. About the point. Next लिखो. Potential energy. इसका option नहीं है. ये direct बताना value. Potential energy of equal positive charge. Of equal positive charge. One microcoulomb. Held. 1 meter apart in air. One meter apart. In air is first.
1 जूल ऑप्शन हाँ सेकेंड 9 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड 9 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड 0 फोर्थ 9 × 10⁻³ जूल नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम हैज वॉल्यूम 20 ग्राम हैज मास 20 ग्राम हैज वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब द मैक्सिमम पॉसिबल एरर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर पॉसिबल एरर इन द मेजर ऑफ मास मेजर ऑफ मास एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली आर वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली आर 0.01 एन ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है 0.01 एंड 0.1 सेंटीमीटर क्यूब इन द मास 1 सेंटीमीटर क्यूब द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी